नमस्कार, वीडियो टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने ही 3 साथियों को गोली मार दी। इनमें से 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 1 घायल है, उसको अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रोहिणी स्थित हैदरपुर प्लांट की है। ये सभी जवान इसी प्लांट में तैनात थे। आरोपी जवान को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड आपसी झगड़े की वजह से हुआ। इस घटना ने वापस से पुरानी घटनाओं को याद दिला दिया है। आखिर कब तक ये चलेगा और किस तरह से जवानों को तनाव मुक्त रखा जाएगा? या ऐसा कोई पैनल बैठे जिसमें वो अपनी बात कह सके और अपने शोषण के बारे में बता सके? ताजा अपडेट के लिए वीडियो भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।